हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में यानी कि राबिया के किचन में। हमेशा हम सोचते हैं कि आज शाम में क्या बनाए, नाश्ते में क्या बनाए, बच्चों को क्या दे जो उनके लिए हेल्दी भी हो और उनको टेस्टी भी लगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ प्रोटीन से भरा हुआ बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी स्नैक जो आप खुद भी खा सकते हो और अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, और ये है यम्मी क्रिस्पी टेस्टी एग फिंगर्स। तो चलिए देखते हैं कि इन एग फिंगर्स को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें लगेंगे 7 कच्चे अंडे, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़े से ब्रेड क्रम्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप इसे थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून पिज्जा सीजनिंग, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून ओरिगैनो और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक बोल और इसमें हम सारे अंडों को फोड़कर डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक ताले स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, पिज्जा सीजनिंग, ओरिगानो। इन सारी चीजों को अच्छे से फेंट लीजिए क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे स्टीम करना है। और इसके लिए हम लेंगे एक ऐसा स्टील का वेसल जिसमें हमने जो बोल लिया है जिसमें हमने अंडे डाले हैं वो इसमें अच्छे से बैठ जाए और हमारा जो अंडे है वो अच्छे से स्टीम हो जाए। और इस बर्तन की क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जब इसमें पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब हमारे जो कांच का बोल है जिसमें हमने अंडे डाले हैं उसको हम इसमें प्लेस कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको एक बार फिर से फेंट लीजिए या मिक्स कर लीजिए और फिर इसे ढक्कन ढक कर बिना टच किए बिना छुए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। तो अब इसको पकाते तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका कलर भी जो है वो काफी चेंज हो चुका है, लेकिन अब ये हल्का फिर भी कच्चा है तो इसे हम ढक्कन ढककर और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है तो गैस को बंद कर दीजिए और ये जो बोल है उसको बाहर निकाल दीजिए और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप इस मिक्सचर को इस तरह से निकाल लेंगे। ध्यान रखें आपको इसको बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है और फिर इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर रख के इस तरह से इसके लंबे लंबे पीसेस कर लेंगे। और हाँ, कट करते वक्त अगर ये आपसे टूट रहा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके शेप से हमको जितना मतलब नहीं उतना इसके टेस्ट से है। तो इसका टेस्ट तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से कट कर लेंगे और इस तरह से लंबा लंबा कट करने के बाद हम इसको बीच में से भी कट कर लेंगे। अब अगर कोई डाइट कॉन्शियस है या कोई हेल्दी रेसिपी पसंद करता है तो ये स्टीम एग को ही आप सर्व कर सकते हो, खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। सॉस के साथ में, चटनी के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बच्चों को देना चाहते हो तो इसको थोड़ा और तड़का दीजिए। तड़का हम देंगे किस तरह से, हम लेंगे एक प्लेट और इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, मैदा, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, नमक और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम लेंगे दूसरी प्लेट और इसमें हम एक अंडे को फोड़कर अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और तीसरी प्लेट में हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। सो गाइस, आप ये तीनों चीजों को इस तरह से रेडी कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों रेडी है। अब हम हमारे एग फिंगर्स को बनाएंगे क्रिस्पी भी। इसके लिए हम सबसे पहले इस कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर में कोट करेंगे, फिर इसे लेके हम अंडे के मिक्सचर में कोट करेंगे और फिर फाइनली हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस तरह से हम तीनों चीजों में इसको कोट कर लेंगे और इसको फ्राई करने के लिए रेडी रखेंगे। तो ये मेरे सारे एग फिंगर्स रेडी हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। अब हम लेंगे एक पैन और हम इसमें डालेंगे ढेर सारा ऑयल। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए या मीडियम हॉट हो जाए तब हम हमारे एग फिंगर्स को लेके इसमें एक एक करके डाल देंगे। और ध्यान रहे कि आपको ये फिंगर्स को फ्राई होने के लिए, क्रिस्प होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल पक के गोल्डन ब्राउन होके क्रिस्प होके तैयार हो जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट बाद आप देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको ऑयल से निकाल दीजिए। ये हम कर रहे हैं हमारे बच्चों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए। तो इसी तरह से आप सारे एग फिंगर्स को फ्राई कर लीजिए। सो गाइस, ये रेडी हो गए हमारे एग फिंगर्स जो ऊपर से जितना क्रिस्पी है, जितना मजेदार है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है और फ्लेवर से भरा हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। मैं आपको मिलूंगी ऐसे बहुत सारे रेसिपीज के साथ में मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।